तो अभी हम देख रहे थे कि कुछ बैक्टीरिया कैसे करके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं। जैसे एक ये बैक्टीरिया था जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। और नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन उसमें ऐड कर देता है। नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं लेते हैं, कैसे लेते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में। जैसे नाइट्रोजन क्या है, NH3 क्या है, नाइट्रोजन का कंपाउंड अमोनिया बोलते हैं NH3 को, और इसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। यूरिया भी क्या है, यूरिया भी नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है। और लास्ट चैप्टर में आप सब लोगों ने पढ़ा था कि यूरिया जब लगाते हैं तो उससे हमारी क्रॉप्स अच्छी होती हैं यूरिया लगाने से। तो यूरिया भी क्या है, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एटमोस्फियर से ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं नाइट्रोजन लेते हैं और उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। ठीक है, इस तरीके से ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, देखो आप देखो यहाँ क्या है, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स। तो पहले क्या वो नाइट्रोजन यूजेबल थी नहीं, वो यूज नहीं हो सकती थी, अब ये यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गई है। इट कैन बी यूटिलाइज बाई प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो अब ये प्लांट्स इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से, सॉइल से थ्रू देयर रूट सिस्टम, अब रूट सिस्टम के थ्रू इसे यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर सिंथिसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, प्लांट प्रोटीन्स इससे जनरेट होते हैं, एंड अदर कंपाउंड्स भी प्लांट्स में इससे जनरेट होते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स इससे जनरेट होते हैं प्लांट्स में। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो एनिमल्स जो है, एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स या ह्यूमंस भी हैं, फीडिंग ऑन द प्लांट्स जो इसे खाते हैं प्लांट्स को, दीज प्रोटीन्स उन्हें ये प्रोटीन्स मिल जाते हैं एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो जैसे हम दाल दाल खाते हैं तो दाल के थ्रू ये प्रोटीन्स या नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स के थ्रू। और प्लांट्स को कैसे मिले, माइक्रोब्स ने जनरेट करे, माइक्रोब्स ने कैसे जनरेट करे, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके उसे यूजेबल कंपाउंड्स में बना दिया जिसे प्लांट्स अपने रूट सिस्टम के थ्रू ले सकते थे। ठीक है, वेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, ठीक है, तो अब प्लांट्स और एनिमल जब डाई मर जाते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन सॉइल कन्वर्ट दीज नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, तो जब ये प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल क्या, कन्वर्ट दीज नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड टू बी यूज बाई प्लांट्स अगेन। तो अभी तक हम सोचते थे कि डीकम्पोज होने पे प्लांट्स को मिनरल्स मिल जाते हैं, तो कैसे होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं या जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, ये नाइट्रोजीनस वेस्ट जो होते हैं उन्हें वापस नाइट्रोजीनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उसे क्या करेंगे, नाइट्रोजन जो वेस्ट है उसे नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर। तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं अदर टाइप के, वो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड की जगह क्या करते हैं, उसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन गैस में, विच गोज बैक टू द एटमोसफेयर, जो वापस कहाँ चली जाती है, एटमोसफेयर। ठीक है, एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से एटमोसफेयर में नाइट्रोजन की क्या परसेंटेज क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, क्योंकि जैसे ही एनिमल या प्लांट डाई होता है, मरता है, तो क्या होता है, जो ये माइक्रोब्स होते हैं उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स और नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहती है। तो अब सबसे पहले ये नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल चलती कैसे है। ठीक है, तो इसे जो है, सिंस ये साइकिल है तो इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है तो इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन साइकिल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है कि नाइट्रोजन साइकिल बताओ कि कैसे काम करती है, इसका डायग्राम बना के। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कि कितनी है, 78%। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमोस्फेयर। अब
जो है नाइट्रोजन पे लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, और लाइटनिंग स्ट्राइक करने पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो इस तरीके से ये जैसे ही इस पे लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो ये इस टाइप के कंपाउंड बन जाते हैं जो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और नाइट्रोजन के कंपाउंड उसमें पहुंच जाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। तो यहाँ लाइटनिंग की जगह क्या है, हमारा जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो उसको फिक्स करता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ने उसे फिक्स करा, और बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। तो इससे उसने एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन ली और उसे फिक्स करके उसने क्या बनाया, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। और फिर वो कंपाउंड कहाँ चले गए, सॉइल में। तो बेसिकली एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन दो तरीके से आ गई हमारे पास, एक तो लाइटनिंग के थ्रू कंपाउंड्स बन के, और दूसरा बैक्टीरिया ने एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन लिया, उसे कंपाउंड में कन्वर्ट किया और उसे वापस सॉइल में दे दिया। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज नहीं करी जा सकती, वो कब कैसे यूज करी जा सकती है, केवल और केवल कंपाउंड्स के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो, अब जो है ये प्लांट्स के पास गई, अब टेक बाई द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स ने इस नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स थे उसे लिया, उसे कंपाउंड्स को लेने के बाद क्या हुआ, कंपाउंड्स को लेने के बाद क्या था कि एनिमल ने प्लांट्स को ईट कर लिया, कुछ एनिमल्स ने प्लांट्स को ईट किया। ईट करने के बाद जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स और जो है प्लांट्स जो एनिमल्स जो सॉरी प्लांट्स को जिन एनिमल्स ने ईट किया, अब ये एनिमल्स डाई हो गए, मर गए। मरने के बाद क्या होता है, जो इनके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, किस तरीके से एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में तो नाइट्रोजन वेस्ट निकलेंगे, और डेथ के डेथ पे, तो डेथ पे या नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट है उसे एक्सक्रीट ये करेंगे, वो वापस बैक्टीरिया माइक्रोब्स कहाँ पहुँचा देते हैं, सॉइल के कंपाउंड में। ठीक है, और इस सॉइल के कंपाउंड से कुछ जो है बैक्टीरिया कंपाउंड्स को जो है नाइट्रोजन गैस में टर्न कर देते हैं, किस में टर्न कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में, फिर वो एटमोस्फेयर में पहुंच जाती है, और इस तरीके से पूरी साइकिल फिर से रिपीट होती है। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है। फिर से एक बार देखते हैं इस नाइट्रोजन साइकिल को कि ये कैसे वर्क करती है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है जिसकी परसेंटेज कितनी है, 78% है। तो ये 78% दो तरीके से सॉइल में जा सकती है, तो ये जानी कहां है, सॉइल में। कैसे जाएगी, या तो लाइटनिंग इसे स्ट्राइक करेगी और इसके कंपाउंड बन के कहां चले गए, सॉइल में। ये दूसरा तरीका क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ली, उसे फिक्स करा, और फिक्स करके क्या बनाया, उसका कंपाउंड बनाया, नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि यूजफुल हो सकता था, और उसके बाद ये कहां पहुंच गया, ये फिर हमारा सॉइल में पहुंच गया। अब इस सॉइल से प्लांट्स ने क्या करा, ये जो कंपाउंड्स थे वो एब्जॉर्ब करें और अपनी ग्रोथ करी। ग्रोथ करने के बाद जो नाइट्रोजन थे, जैसे दालों में नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसे किसने खाया, एनिमल्स ने, ह्यूमंस ने। ठीक है, एनिमल्स या ह्यूमंस ने उसे खाया, उसे खा के उन्होंने या तो एक्सक्रीट करा या फिर उनकी डेथ हो गई। तो उस तरीके से उस एक्सक्रीट जो वेस्ट प्रोडक्ट था एक्सक्रीशिया वाला या डेथ के बाद, उसे क्या करा, बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया वापस सॉइल के जो है नाइट्रोजीनस कंपाउंड में, वापस कन्वर्ट कर दिया, और उसमें से कुछ जो नाइट्रोजन थी वो जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड की जगह किसमें कन्वर्ट हुई, डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में, और वो नाइट्रोजन गैस कहाँ आ गई, वापस एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो वापस बार बार एटमॉस्फेयर में आ जाती है, और उसमें से कुछ नाइट्रोजन कहाँ रहती है, हमेशा कंपाउंड्स में रहती है, किसमें, सॉइल में। तो इस साइकिल को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, और ये आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन हम डायरेक्टली तो यूज नहीं करते, बट हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स और डिफरेंट टाइप के अदर कंपाउंड्स हमारी बॉडी को जरूरी है, जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ही बनते हैं। तो नाइट्रोजन हमें चाहिए प्रोटीन्स के लिए, एनिमल प्रोटीन हो चाहे दालों के प्रोटीन हो, वो किसके थ्रू ही बनते हैं, नाइट्रोजन के। एनिमल प्रोटीन भी कहाँ आया है, प्लांट्स को खाने से।